अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं जी जिद्दी लवर व्लॉग्स। आप बोल लो। आप देख रहे हैं जिद्दी लवर व्लॉग्स। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। रात के इस टाइम कोई 12 बज रहे हैं और हमने जाना है आज गांव। गांव कौन सा जी? जाना दिहाल जा रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाता हूँ। एक तो ये गाड़ी खड़ी है, ये वाली नहीं, वो जो पीछे गाड़ी खड़ी, ये वाली हमारी गाड़ी है। ये 12:40 पर जाएगी और अभी हमें 40 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हाँ जी सईद, आपकी क्या एक्साइटमेंट है? किधर जा रहे हो? ऊँची बोलो ना। उधर क्या है? नहीं वैसे जाना कहाँ? दादोगढ़। खुश हो? हाँ जी। एक्साइटमेंट कैसी है? अच्छी है। चलें आपसे, आप सब जब गाड़ी में बैठेंगे उस वक्त आपसे मुलाकात करते हैं। भाई एसी वाली गाड़ियों का भी मज़ा, लेकिन जो इन गाड़ियों का मज़ा है ना, आय हाय हाय चस दवादी। यंग स्टारा अजकल का जो स्टार पिया ना, तो असी एसी वाली गड्डी। और यार यंग स्टारों कभी इन्हों गड्डियों में भी सफ़र करके वेखो, बड़ी लैवल की चस आती। तो यह साड़ी गड्डी आ गई लई वाली, तो इन्हें आप जाना। ये गाड़ी में एंटर होते नीचे तो पानी देखे, ये गाड़ी में एंटर हो गई है सीट पे। लो जी सजनों के मित्रों, साढ़े यंग स्टार चाचे मलक अली शाह ने ले लिए थो आड़ू। आड़ूआ तो पा के नंबक, तो ठंडे ठंडे आड़ू खा रहे। चेक करो भाई। ये जी 12:40 पूरे हो गए और ये गाड़ी की रवानगी का टाइम शुरू हो गया। गाड़ी निकल पड़ी और इंशाल्लाह के सुबह 4:15 हम अपने मंजिले मुकाम पर हूँ। गाड़ी अड्डे से निकली तो हमें अड्डे में पानी ऐसे खड़ा नज़र आया जैसे रावी के अंदर हम गुजर गए। हुकूमत को चाहिए कि इस अड्डे को भी कोई नया तमीर वगैरह करें या इसकी कोई रखवाली करें। बहुत ज़्यादा पानी था अड्डे में, तो मुझे तो ऐसा लगे जैसे नदी में। ले जी अड्डे से हम निकल चुके हैं और सड़कें तो बिल्कुल खाली। रात के टाइम रावी का नज़ारा, इस तरफ रावी आप देख रहे हैं। ये हमारी गाड़ी जा रही है। जीटी रोड पर टूर प्लाजा पहुंचे तो इधर एमटेक लगा हुआ था गाड़ी को लाया भी सजनों के मित्रों। इतने रास्ते में इंतजार ही नहीं करना पाया। एमटेक ने तो दस्ती फौरन डंडा चुकया और जा रही भी है। बिल नज़र आया सानू एमटेक का।
ਨਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਸਣ ਆਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵਲੋਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਲਵਰ ਵਲੋਗ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ। ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਸਤੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਬਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਲੈ अब आई पिंड च पहुँच के सजनों के मित्र से है यंग स्टार चाचा के लिए रिक्शा पिक किया, रिक्शा पिक करके जा रहे हैं तो कार बड़े थके पे हैं। तो सजनों के मित्रों अपनी मुलाकात होंगी अगले ब्लॉग से। अल्लाह हाफिज़।